मैं चाहता हूं कि हमारे मेडलिस्ट एक एक करके आए, आपसे मिलें, आपका आभार प्रकट करें और आप अपना आशीर्वाद दें। बधाई हो। केम भाविना बजामा चलिए तो देवभूमि वाले हो तो सर यही बात है सर, उत्तराखंड के लिए आपने देवभूमि वर्ड यूज किया सर, ये गर्व की बात है पूरे उत्तराखंड के। ये बड़ा सम्मान है सबके मैंने ऑर्डर आप। ये बात सही है कि आप लोगों को वो एक विशिष्ट रूप से ही सारी चीजों को हैंडल करना होता है। सीरियसली मेरे पास वर्ड नहीं आपके पास मेरे पास कहने के लिए, आई एम स्पीचलेस। और प्राची क्या है बेटा, तुमने तो एक नया खेल शुरू किया है भारत का। जी बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा सर मेरा। मैंने कोशिश की, इतना टाइम नहीं मिल पाया था मुझे, लेकिन फाइनल्स में गई सर मैं, और मेरी फैमिली बहुत खुश है। और सर आपने बहुत उत्साहवर्धन किया, आपने मुझसे बोला था कि प्रेशर नहीं है, अपना बेस्ट देना, तो सर मैंने बेस्ट दिया और काफ़ी खुश हूँ सर। और ऐसे हमारा एथलीट्स बोल रहे कि दूसरे एथलीट्स बोल रहे कि आपका प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहे हैं, हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वैसे हमसे पर्सनली नहीं बात करते क्या भाई? जी सर। अच्छा ये बताओ, मुझे ये थोड़ा टच कर गया जब आपने ये कहा कि मैं अपना ये मेडल कोरोना वॉरियर्स को डोनेट कर रहे हैं ना, डिवोट करता हूँ, ये भाव कैसे आया सर? मतलब उन्होंने अपना पूरे दिन रात सुबह शाम, मतलब यहाँ तक कि खाना पीना तक छोड़ छाड़ के सब लोग हेल्प में लगे हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात है सर ये सब। और फिर उसी वजह से ये पैरालंपिक ओलंपिक और जो भी हो रहा है अभी देश में ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन्हीं की वजह से इतना हो पाया ये। कि जो आपने इतना मोटिवेट किया है हमें, बहुत ज़्यादा उससे पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, ऐसी प्लीज मोटिवेट करिए। इस बार नहीं आया बट नेक्स्ट टाइम श्योरली वी विल डू दिस। आप दिमाग से निकाल दीजिए इस बार आपको मेडल मिला है कि नहीं मिला है, ये दिमाग में बिल्कुल इसको आप दिमाग में ये रखो नेक्स्ट। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम पूरी टीम की तरफ से कि आपने हमें इतना मान सम्मान दिया, और सिर्फ मेडलिस्ट को नहीं, जो हम जैसे खिलाड़ी जो मेडल नहीं ला पाए उनको भी इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। केम छो सर? आपने मजा में सर तारो जूनो फोटो ना अत्यारो फोटो जो आश्चर्य थे लोगों ने। हाँ सर। आपने बताइए गोल्डन गर्ल बन गई हो अब तो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए। तब आपने कहा कि अपना बेस्ट देना है, 100% देना है, मेडल की नई सोच नहीं है और कोई बोझ लेकर नहीं चल रहे हैं दिमाग में, तो मैंने बस वही सोचा, मैंने बस अपना बेस्ट दिया, अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया और मेडल तो अपने आप हो गया, उसका कुछ नहीं। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि ओलंपिक मेडल लो, मेरा थोड़ा सा अलग सपना था, ओलंपिक मेडल की हैट्रिक बनाओ, तो उस हैट्रिक बनाई मैंने, उसमें कामयाब हुआ उस मिशन में। आपके सपने यही हमारे सपने हैं, वो सपने साकार करने के लिए मैं जहां हूं, जो भी जिम्मेवारी है, मैं कुछ न कुछ करता रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।